फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज मैनेजमेंट ऑफ हाई ट्राइग्लिसराइड। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ट्राइग्लिसराइड को कैसे मैनेज करें। किसी का ट्राइग्लिसराइड 150 है, किसी का 200, किसी का 300, या किसी का 500 या 700 है। तो कितनी भी रेंज पे ट्राइग्लिसराइड है तो उसको स्टेप वाइज कैसे मैनेज करें, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट होता है जो आपके ब्लड में और बॉडी में पाया जाता है। ये मेनली आपको खाने से मिलता है। खाने में जो कैलोरी होती है, जितना आप पूरे दिन में यूज कर लेते हो, उसके बाद में जो कैलोरी बच जाती है वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में। ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज्यादा होने पे आपको हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और पेनक्रियाटाइटिस जैसी दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड लेवल लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और लेस देन 1.6 मिलीमोल पर लीटर होता है। जब लैब में आप अपना ट्राइग्लिसराइड करवाते हैं और आपका ट्राइग्लिसराइड मोर देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है, तो जो फर्स्ट स्टेप है वो ये करना है कि सबसे पहले आपको उसके सेकेंडरी कोज को रूल आउट करना है। सेकेंडरी कोज का मतलब है कि कौन से कारण हैं जिनके कारण आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, जिसमें एक सबसे पहले रहता है मोटापा, दूसरा रहता है थायराइड की प्रॉब्लम यानी हाइपोथायरॉयडिज्म, तीसरा रहता है डायबिटीज और शुगर, एल्कोहल इंटेक, या फिर आपको कोई किडनी या लीवर में प्रॉब्लम हो, या प्रेगनेंसी का टाइम हो, या कुछ मेडिसिन्स हैं जो आपके ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाती हैं, जिसमें स्टीरोइड आते हैं, डायुरेटिक मेडिसिन आती हैं, बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। तो इस तरह की यदि कोई भी कंडीशन है तो सबसे पहले उसको रूल आउट करना है। सेकेंड स्टेप ये है कि आपको ट्राइग्लिसराइड आपका कितना आया है उसको चार ग्रुप में डिवाइड करना है, जिसमें सबसे पहला ग्रुप है आपका ट्राइग्लिसराइड यदि लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, यानी कि नॉर्मल ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है जिसमें ट्राइग्लिसराइड आपका 150 से लेके 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक आता है। तो ये वाला जो ग्रुप है इसको माइल्ड टू मॉडरेट हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया कहते हैं, और ये आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की रिस्क को बढ़ाता है। तीसरा ग्रुप ये है जिसमें ट्राइग्लिसराइड आपका 500 से 1000 तक है, और चौथा ग्रुप है जिसमें 1000 से ज्यादा आता है। तो तीसरा और चौथा जो ग्रुप है ये ग्रुप मेनली आपकी पेनक्रियाटाइटिस की रिस्क को बढ़ा देते हैं, यानी पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन करते हैं। तो तीसरी और जो चौथा ग्रुप है इसमें टारगेट ये रखना है आप लोगों को कि आपको अपना ट्राइग्लिसराइड 500 के नीचे लाना है। ट्राइग्लिसराइड को चार ग्रुप में डिवाइड करने के बाद में जो थर्ड स्टेप है वो ये करना है कि आपको ड्यू फोस स्टेप फॉलो करना है। ड्यू फोस का मतलब है, डी का मतलब है डाइट, ई का मतलब एक्सरसाइज, ओ का मतलब ओबेसिटी, और फोस का मतलब है फाइब्रेट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और स्टेटिन। ड्यू फोस स्टेप को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे इनका यूज करना है और कैसे ट्राइग्लिसराइड को कम करना है। डाइट ट्राइग्लिसराइड में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डाइट को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट आपको बहुत कम लेने हैं या एक बार बंद कर देने हैं, जिसमें आपके सफेद चावल आते हैं, मैदा आता है, या मैदा से बनी बिस्किट पेस्ट्रीज आती हैं, किसी भी तरह की जो कुकीज रहती हैं, केक रहते हैं, पोटैटो और पोटैटो चिप्स, ये सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हैं, तो ये आपको नहीं लेना है। इनकी जगह आप व्होल सीरियल्स ले सकते हैं, और गेहूं का जो आटा रहता है उसको बिना छाने हुए आटा वो यूज कर सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, सीरियल्स ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है शुगर। शुगर आपको बिल्कुल कट कर देना है। शुगर जिन में भी पाई जाती है कोई भी एडेड शुगर आपको नहीं लेना है, जैसे फ्रूट जूस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोई भी तरह की चॉकलेट है, कुकीज है, ये सब आपको नहीं लेना, मतलब किसी भी तरह का शुगर आपको नहीं लेना है। इनकी जगह आप ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट फ्रूट ले सकते हैं, फ्रूट जूस की बजाय आप फ्रूट खा सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है फैट, जो भी सेचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट रहता है वो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। जो भी रिफाइंड ऑयल होते हैं, रिफाइंड ऑयल आपको नहीं लेने हैं। इसके साथ साथ में आपको रेड मीट नहीं लेना है, मटन नहीं लेना है, और
कोकोनट ऑयल है, फ्राइड फूड है, फास्ट फूड है, कचौरी समोसा, जिनमें भी सेचुरेटेड और ट्रांस फैट पाया जाता है, वो किसी भी तरह की डाइट आपको नहीं लेनी है। इनकी जगह आप क्या ले सकते हैं, आप वो फैट ले सकते हैं जिनमें मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड फैट पाई जाती है, जो कि मेनली ओलिव ऑयल है, एवोकाडो है, फॉक्स सीड ऑयल है, या जो भी वेजिटेबल्स ऑयल हैं जो कि रिफाइंड प्रोसेस से नहीं बनाए गए हैं, जिसमें मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, वो सब आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ में भी जो फिश जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जैसे सालमोन है, टूना है, वो फिश आप ले सकते हैं। डाइट में चौथा पॉइंट है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आप वॉलनट है, फॉक्स सीड है, आलमंड्स है, पिस्ता है, ये सब आप थोड़ थोड़ी अमाउंट में ले सकते हैं। इन सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके अलावा आप यदि कोई डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं तो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट लेना है। नेक्स्ट है आप डाइट में हाई फाइबर डाइट आपको लेना है। हाई फाइबर डाइट जो होती है वो आपके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देती है, जिससे जो भी आपके बॉडी में शुगर या एक्स्ट्रा कैलोरी होती है वो स्लोली एब्जॉर्ब होती है और ट्राइग्लिसराइड एकदम से राइज नहीं होता है। तो हाई फाइबर डाइट आपके फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, नट्स हैं, दालें हैं, इन सब में पाई जाती है, तो इनकी आप भरपूर मात्रा में इनको आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आप प्रोटीन आप ले सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट आपको कम लेना है, प्रोटीन और आप ज़्यादा ले सकते हैं। प्रोटीन जैसे आपके दाल में रहता है सोया प्रोटीन होता है, सोया मिल्क आप ले सकते हैं, एग वाइट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको एल्कोहल और स्मोकिंग वगैरह क्यूट करना है, क्योंकि एल्कोहल में बहुत ज़्यादा कैलोरी और शुगर पाया जाता है जो आपके ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है, तो इसको भी आपको क्यूट करना है। डाइट के बाद में अगला पॉइंट है एक्सरसाइज। यदि डेली आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड कम होगा, एचडीएल आपका बढ़ेगा, जिससे आपके हार्ट को और ब्रेन को, पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलेगा। एक्सरसाइज में आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिनमें वॉकिंग रहती है, रनिंग रहती है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ये सब कर सकते हैं। और दूसरा रहता है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिसमें जैसे स्क्वेट आप कर सकते हैं। यदि ये कॉम्बिनेशन करते हैं आप दोनों एक्सरसाइज का, यानी वीक में आप एरोबिक एक्सरसाइज करें 4 से 5 दिन, जिसमें 30 मिनट मिनिमम आप डेली एक्सरसाइज करें, और स्क्वेटिंग 2 से 3 दिन आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करें, यदि इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो ज़्यादा तेजी से आपके ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होती हैं वो आपकी मसल मास को बढ़ाती हैं और बॉडी में फैट को कम करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेट। यदि आप वेट अपना बॉडी वेट आपका ज़्यादा है तो आप 5 से 10% अपने बॉडी वेट को कम कर लेते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड बहुत तेजी से आपका कम होएगा। ड्यू फोर्स स्टेप का ड्यू पॉइंट कंप्लीट हो गया है। आप फोर्स के बारे में पढ़ते हैं तो फोर्स में 3 तरह की मेडिसिंस हैं, वो मेडिसिंस कब आपको लेना है और कब नहीं लेना है। तो सबसे पहला रहता है फिब्रेट मेडिसिन। फिब्रेट मेडिसिन आपको जब लेना है जब आपका ट्राइग्लिसराइड 500 के ऊपर रहता है। ये मेडिसिन 160 मिलीग्राम डेली आप ले सकते हैं और ये आपके ट्राइग्लिसराइड को 70% तक कम करता है। दूसरी मेडिसिन रहती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप ले सकते हैं, लेकिन ये आपको कम से कम 3 से 4 ग्राम डेली लेने रहते हैं, जब भी इसका आपको बॉडी में इफेक्ट देखने को मिलेगा, और ये भी आपके ट्राइग्लिसराइड को 25 से 50% तक कम करता है। तीसरी मेडिसिन है स्टेटिन, जिसमें एटोरवा स्टेटिन, रोजोवा स्टेटिन तरह की मेडिसिन आती हैं, और ये आपको जब लेना है जब आपका ट्राइग्लिसराइड 150 से लेके 500 की रेंज में हो, जब माइल्ड हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया में है, तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं, ये आपके कार्डियोवास्कुलर रिस्क को कम करता है। इस तरह ड्यू फोर्स स्टेप को आप अप्लाई करके अपना ट्राइग्लिसराइड इजीली कम कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4 आता है कि आपको कुछ हेल्थी हैबिट्स फॉलो करनी है, जिनमें है कि आप इवनिंग स्नैक्स न लें, डेली आप वॉकिंग करें, डेली प्रॉपर स्लीप लें। यदि आप कोई जॉब करते हैं तो जॉब पे कंटिन्यू बैठने की बजाय बीच में आप उठ के थोड़ी देर टहलें, घूमें। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई बैड हैबिट हो, एल्कोहल या स्मोकिंग हो, तो उसको क्यूट कर दें। स्टेप नंबर 5 है, ये सब करने के बाद में आपको आपका लास्ट स्टेप रहता है, जिसमें आपका ट्राइग्लिसराइड आपको रिपीट टेस्ट करवाना है। कम से कम 4 से 6 हफ्ते आप ये सब एक्टिविटी फॉलो करना है, उसके बाद में आपको रिपीट करवा के देखना है, और रिपीट में आपका ट्राइग्लिसराइड किस ग्रुप में आता है उसके अनुसार आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। इस तरह आप ट्राइग्लिसराइड को यदि स्टेप वाइज तरीके से कंट्रोल करेंगे तो इजीली कंट्रोल हो जाएगा और आपको आपके शरीर में हार्मफुल इफेक्ट से बचा के रखेगा।
थैंक्स।